गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 12.7 का आगे हैं। 12.7 के क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2xyz 32/81, ये आर इन जीपी, ये जीपी में है। 5xyz, पहले हमने एक तरह से एक्स वाई जेड जो देखा वो जीवन G2 G3 है। इस तरह से हम जीवन G2 G3 रखते थे। क्या रखते थे? पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन। बस जीवन G2 G3 के नाम यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड कर दिए। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2, फिर लिखेंगे लास्ट टर्म 32/81। एक नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे, इन सारों को काउंट कर गए 1, 2, 3, 4, 5 आर इन जीपी। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म होगी 5। फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ पर एल की जगह लिखेंगे 32/81, ए की जगह लिखेंगे 2, आर की जगह लिखेंगे हम आर और एन की जगह लिखेंगे 5। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट करके आ रहा है, उसको काट के 2 से 32 काट दिया, 60 आ गया। 60/81 इक्वल टू आर की पावर 4, और जो हमारी 60 है उसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 आर की पावर इक्वल टू आर की पावर 4। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2/3, क्योंकि सेम पावर आ गई। तो हम कंपैरिजन करेंगे बेस का, आर इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू पता है हमें, ए की वैल्यू पता है 2, आर की वैल्यू पता है 2/3, तो जीवन निकाल लेंगे। फार्मूला होता है ए आर, जीवन का नाम रखा है ए एक्स, ए की आर की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे 4/3, एक्स की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। जी टू लिखेंगे, यानी कि सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर, इसमें हम ए की और आर की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल टू आ जाएगा 1/9। यहाँ पे g3 को हमने हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है z, इसको लिखेंगे a r की पावर 3, a की वैल्यू 2 लिखेंगे, r की वैल्यू 2/3 लिखेंगे, इक्वल टू ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 16/27। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया x इक्वल टू 4/3, y इक्वल टू 1/9 और जेड इज इक्वल टू 16/27, 16/27। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 4 टू नंबर, दो नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड देयर रेशियो आर 4:1, फाइंड द नंबर, नंबर निकाल ले हैं। लेट टू नंबर आर एक्स एंड वाई, दो नंबर हमने x एंड y मान लिए, तो उनकी रेशो दे रखी है x/y = 4:1। ये सेंटेंस यहाँ से होता है, और ये देखो दो नंबर के लिए होती है रेशो कितनी, 4:1। ये तो बीच में एक रिलेशन दे रखी कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के मैं प्लस 2 करके मिलेगा, इसका यूज करेंगे। लेकिन आपका जो सेंटेंस है क्वेश्चन का, वो x/y = 4:1, x = 4y, फर्स्ट इक्वेशन। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2, अर्थमेटिक मीन दो नंबर का निकालना हो तो हम दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, x + y / 2, ज्योमेट्रिक मीन √x/y, x * y प्लस 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। पुटिंग x = 4y इन इक्वेशन सेकंड, इसमें x की जगह 4y रख दिया हमने, देखो ये रख दिया x की जगह 4y, x की जगह 4y, इसको कैलकुलेट कर दिया, ये होगा 5y/2, हम 4 का रूट करेंगे 2y, इसका रूट करेंगे तो y आएगा प्लस 2, यहां से कैलकुलेट करके y की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू 4 फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, 4 4 16, x की वैल्यू आएगी 16, नंबर्स आर 16 एंड 4। थैंक यू, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप मोबाइल को अपने आंखों से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखकर पढ़ेंगे।